खुदा के लिए मेरा उस आवाज को भूलने की कोशिश करो। ऐसा मत कहो कि वो अदीब की थी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरे भाई के कत्ल में मेरे शौहर का हाथ कैसे हो सकता है? मैं मानती हूं इस्मत और अदील की कभी नहीं बनी। अदील उससे वाले हैं, जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन एक बात तो मैं वसूख से कह सकती हूं कि अदील किसी का कत्ल नहीं कर सकते। इतने जालिम नहीं है वो मेरा। मैं कब कह रही हूँ कि अदील ने अस्मत का कत्ल किया? तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। वो वहां मौजूद था, मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। जब मैं वहां थी ना, वहां एक सुराख से मैंने एक शख्स को देखा, मैंने उसकी कलाई देखी जिसने बिल्कुल अदील जैसी घड़ी पहनी थी। तो अदील ही होगा ना मेरा। क्या वैसी घड़ी किसी और के पास नहीं हो सकती? खुद ही सोचो जरा। मेरी जान, अस्पन सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं था, मेरा छोटा और इकलौता भाई था वो। और अगर मेरे भाई के कत्ल में मेरे शौहर का हाथ हुआ तो मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अस्पन के कातिल को तुम्हारे सामने बेनकाब करूंगी, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता, खुदा के लिए मुझे इतनी खौफनाक अजियत से मत गुजारो। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा। ये दिल तन्हा